तो घर नहीं कोई बजना ची पाटी प्राण लगता रखा यारा भत्ता फटी मत मारो थी पूर्वक मनाया गया संयुक्त जयंती समारोह 2022। विधायक सुश्री हिना कांवरे रही मौजूद। संयुक्त जयंती समारोह के तहत अंबेडकर चौक से डीजे की धुन में निकाली गई रैली, भीम के नारों से गूंजा नगर। लांजी दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया लांजी के तत्वाधान में संयुक्त जयंती समारोह 2022 का आयोजन 17 अप्रैल को लांजी में किया गया। दोपहर 3 बजे सद्भावना रैली निकाली गई, जो नगर भ्रमण हेतु अंबेडकर चौक लांजी से प्रारंभ हुई और सिंघाड़ा तालाब से सुभाष चौक बस स्टैंड लंचकाई मंदिर साले टेकरी रोड होते हुए दखनी टोला पहुंचेगी। रैली में संविधान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आदि महापुरुषों की झांकी ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, जहाँ रैली का समापन बुद्ध घोष बुद्ध विहार दखनी टोला में होगा। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अतिथियों का उद्घोषण प्रारंभ होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कांवरे मौजूद रहेगी तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय बौद्ध महासभा तहसील शाखा लांजी के अध्यक्ष के भालाधरे ने के द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपेंद्र मिश्राम सराज गजबिये, पी एल मिश्राम बालकदास गजबिये, बंतिक मिश्राम वी एल खोपरागड़े आदि प्रमुखता से मौजूद रहे। इस नगर भ्रमण रैली में अनेक बौद्ध अनुयायियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जय भीम के नारे भी लगाए। MP324 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से कैमरामैन बादल श्रीवास के साथ रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। आपका पीडी बालाधर है। किस पद पर हैं आप? भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हूँ भारतीय बौद्ध महासभा लांजी का जी। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया? कार्यक्रम है सम्राट अशोक, महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की संयुक्त जयंती का कार्यक्रम है जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाने जा रहे हैं जी। इसकी रूपरेखा क्या आपके कार्यक्रम की? इसकी रूपरेखा में कि अभी जो रैली निकली है वो नगर भ्रमण करेगी जी। नगर भ्रमण करने के पश्चात हम बौद्ध विहार दखनी टोला में जाकर के वहाँ मंचीय कार्यक्रमों में जिसमें बच्चों के कार्यक्रम होंगे और अतिथियों का उद्बोधन होगा। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि है हमारी विधायक महोदय सुश्री हिना कांवरे जी। मुख्य अतिथि में कार्यक्रम मंचीय कार्यक्रम का समापन जी। ये नगर जो नगर भ्रमण रैली है वो कहाँ से निकल रही है, कहाँ समाप्त? ये नगर भ्रमण रैली हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है वार्ड नंबर 7 जिसको अम्बेडकर चौक भी कहा जाता है, वहाँ से निकल करके ये बस स्टैंड होते हुए लंकाई मंदिर होते हुए सालेटेरी रोड से होते हुए वो सीधा अपना बौद्ध विहार जहाँ समापन होना है बौद्ध विहार दखनी टोला बुद्ध विहार। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधे मतलब जो उन्होंने जो संविधान में जो पर्यावरण सुरक्षित करने की जो बात की, तो पर्यावरण सुरक्षित करने में जो बात आती है अनुच्छेद 51 में ये बात आती है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तो वो पर्यावरण के माध्यम से पूरे सृष्टि को उन्होंने एक सुरक्षा प्रदान की, ऐसा मैं समझता हूँ। मनुष्य को तो सुरक्षा प्रदान की, पशु पक्षी है और पूरे पर्यावरण को भी उन्होंने संविधान में देख करके पूरे इसको सृष्टि को एक सुरक्षा प्रदान की, ऐसा मैं समझता हूँ। थैंक यू।
हेलो हेलो